तो जब धर्म एक है वहां धीन के माने अगर उन्होंने धर्म लिया और अल्लाह ने कहा धर्म एक है दूसरा कोई धर्म नहीं, तो जाकिर नायक दूसरा किसको और धर्म मानने लगे हैं भाई? या इस्लाम किसी और को धर्म क्यों और कैसे मान रहा है? इसका मतलब खुदा के ऊपर खुदगारी की जा रही है, जब वहां अल्लाह ने माना ही नहीं इस बात को। अल्लाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि एक ही है जिसका नाम इस्लाम है, केवल इतना ही। अब देखिए वहां पर कलमा पढ़ना होगा, जो कलमा मुख्य रूप से मूल रूप से छह है। तो मैं दो कलमा को सामने रख रहा हूं, जिस कलमा में ये कहा गया कलमा तैयब, पहला कलमा तैयब के माने होता है पवित्र पाक, जिसमें ये बताया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका अर्थ है नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये कौन कह रहा है? कहने वाले कौन है? इंसान। कलमा को पढ़ेगा तो मुसलमान बनेगा या गैर मुस्लिम भी मुसलमान बनेगा, तो यहां कह कौन रहा है? इंसान कह रहा है। लेकिन मैं पूछता हूं समग्र इस्लाम जगत से कि इस्लाम वालों से किसने पूछा कि मोहम्मद रसूल है? तुम बोलो, जब हमने पूछा ही नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा, तुम बड़बोलापन क्यों कर रहे हो भाई? तुम क्यों कह रहे हो? यही तक बात खत्म नहीं हुई। अब वो इस्लाम के साथ मिलाना चाहते, वो कहते कि हिंदू बहुईश्वरवाद को छोड़, हिंदू बहुईश्वरवादी नहीं है, हिंदू एक ईश्वरवादी है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणात्मकं व्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। वेद कहता परमात्मा एक है, परमात्मा सृष्टि के रचयिता है, स्थिति करता, प्रलय करता, संहार करता है, वो कितने हैं? तो वेद ने फिर बताया न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्रुच्यते न पंचमो न षष्ठः सप्तमो न प्रुच्यते न अष्टमो न नवमो दशमो न, एक से लेकर 10 तक गिनाते कहा ऐ दुनिया के लोगों वह परमात्मा केवल और केवल एक है, वो दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, सात नहीं, आठ नहीं, नौ नहीं, दस भी नहीं है। तो इससे बड़ा एक ईश्वरवाद इस्लाम कहां से पा जाएंगे? जबकि अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद साहब का नाम नहीं जोड़ेंगे तो इस्लाम पूर्ण नहीं है। इसलिए वह कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कहते कहते उसके जुबान से झाग निकल कर अगर वो मर भी जावे, वह हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं बन सकता। कब तक? जब तक कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना कह ले, तो फिर एक ईश्वर बात कहाँ है? ये बात है पहला कलमा। दूसरा कलमा में बताया गया, जो दूसरा कलमा भी शुद्ध नहीं पढ़ सकता जाकिर नायक, मैं तो सुदर्शन न्यूज चैनल में बैठ करके बताया, बताया नहीं, मैं दिखा भी दिया, बता भी दिया। वहां शब्द अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस कलमा का नाम है कलमा शहादत। अब वहां शब्द है अशहदु, गवाही देता हूं, और वो अशहद ना बोलकर असब बोल रहा है। शीन को सीन पढ़ा, हे को हजम कर दिया, अर्थ बदला है वहां। तालवे शव को दो दो सौ पढ़ेंगे अर्थ बदलेगा। शव, शव माने मुर्दा, सब सकल, सकल माने कुत्ता का बच्चा, शकल सूरत, कितना अंदर हो गया। तुम्हारा शीन को हजम कर दिया, हे को हजम कर दिया, फिर भी अपने को फरनेखा मान रहे, अपने इस्लाम का दावेदार मान रहे, बड़े विद्वान मान रहे। तो वहां पर दूसरा कलमा जो है वो आया है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका अर्थ है गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह की, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है, और जहां पर मोहम्मद का नाम होगा वहां पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ेगा, अल्लाह तू दरूद भेज, यानी अल्लाह तू दरूद भेज। अल्लाह को मालूम नहीं है मोहम्मद के ऊपर दरूद भेजना है कि नहीं। अब इस कलमा का नाम है कलमा शहादत, शहादत के माने गवाही देना, गवाही दे कौन रहा है? इंसान। मैं समग्र इस्लाम जगत से पूछा कि कौन मांगा आपसे गवाही, आप क्यों गवाही दे रहे? आपने किसने बोला आपको गवाही देने के लिए? कहीं रिश्वत लेकर के गवाही तो नहीं दे रहे?
हमारे भारत में ऐसा होता है, हो रहा है, कई जजों को भी रिश्वत लेते हुए देखा गया। तो यहाँ बात वो होगी कि जब आपसे कोई गवाही मांगेगा तभी ना आप बोलेंगे भाई। तो जब आपको गवाही देने के लिए किसी ने बोला ही नहीं, आप गवाही देते जा रहे हैं। अब गवाही किस लिए दे रहे हैं, किसकी गवाही दे रहे हैं? मोहम्मद के रसूल होने की गवाही दे रहे हैं। तो मोहम्मद से अल्लाह का क्या ताल्लुक है? तो बोले अल्लाह का ताल्लुक है, मोहम्मद अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। केवल आखिरी पैगंबर नहीं, सबसे मर्तबा वाला पैगंबर। मोहम्मद जैसा मर्तबा मर्यादा और किसी पैगंबर की नहीं। यानी अल्लाह ने उन पैगंबरों में भी झगड़ा लगा रखा है। सबसे पहला आदम है, जिसको हम आदम इंसान को ही अगर बोलेंगे, तो जिन्हों जो इंसान बनकर आया, वो इंसानियत का प्रचार किया, उसकी मर्यादा मोहम्मद से छोटा है। जबकि उस आदम को बना करके अल्लाह ने वहां आदम के अंदर रूह प्रवेश कराया, रूह डाला, या अय्युहा उदखुल फी हाज़िहिल क़रिया, अल्लाह ने रूह को बोला ऐ रूह तू दाखिल हो जा इस आदम के अंदर में, वहां अल्लाह रूह प्रवेश करा रहे हैं। यहाँ तो पंडित भारत के पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, वहां आदम की मूर्ति में अल्लाह ने प्राण प्रतिष्ठा करी। अब मोहम्मद को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ दिया, अल्लाह से मोहम्मद अलग नहीं हो सकता, और मोहम्मद से अल्लाह अलग नहीं हो सकता, अल्लाह से मोहम्मद अलग नहीं हो सकता। अल्लाह का काम मोहम्मद के बिना नहीं चलेगा, मोहम्मद का काम अल्लाह के बिना नहीं चलेगा। इसीलिए अजान में भी यही कहा जा रहा है, वो भी मैं सुना देता हूं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन मुहम्मदर रसूलुल्लाह أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فجر کی نماز میں ایک آواز حي على الفلاح کے بعد سنا جاتی ہے अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अब इसका मैं पूरा अर्थ बता देता हूँ आप लोगों के नजदीक में जगने के साउंड ही प्रतीत हुआ है, पर इसमें बोला क्या गया सुनिए ध्यान। पहला बोल आया है, हर एक बोल को दो दो बार बोला जाता है, हर एक शब्द को दो दो बार दोहराया जाता है। पहला शब्द आया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। दूसरा शब्द अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई मौजूद सिवा अल्लाह के। उसके बाद बोला अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए। हय्या अलफलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फिर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई मौजूद सिवा अल्लाह के। अब जहां तक मैंने इस्लाम की जानकारी ली और इस्लाम को जहां तक मैंने अध्ययन किया, तो भले ही यह इस्लाम के मानने वाले लोग यहां पर कहने के लिए कह रहे होंगे कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, लेकिन इस्लाम को जानकारी लेने के बाद यह पता लगेगा कि अल्लाह बड़ा नहीं है,
फिर बड़ा कौन है? अल्लाह जिस तख्त पर बड़ा है वो तख्त बड़ा है। खुदा ना खास्ता उस तख्त से अल्लाह बड़ा होने लगे तो अल्लाह को चारों ओर से लटकने पड़ जाएंगे। तो जिस अल्लाह पर, जिस तख्त पर अल्लाह बैठेंगे वो तख्त को बड़ा होना पड़ेगा अल्लाह से, फिर ये अल्लाह बड़ा है शब्द गलत हो गया। अब अजान के बाद फौरन अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है, क्या कहा जा रहा है? اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد। فيسبوك में ये सब काम मेरा किया हुआ है। तालीम الإسلام नाम की किताब है जिसको मैं पेज दर पेज 16 पेज कर रखा हूँ, यानी पहला हिस्सा उसमें पूरा दिया हुआ है, डाला हुआ है कि मुसलमान घराने के बच्चों को किस तरीके से उनके दिल और दिमाग को इस्लाम के संदर्भ में भरा जा रहा है। तो अजान के बाद ये जो दुआ मांगी गई वहां अल्लाह से ये प्रार्थना किया जा रहा है कि अल्लाह तू रहमत की बारिश कर, इन पर हजरत मोहम्मद पर। तो अल्लाह को मालूम नहीं मोहम्मद पर रहमत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंसान सुझाव दे रहा है अल्लाह। यहाँ बुजुर्ग तो बुजुर्ग सुझा चले तो इंसान सुझाव दे रहा है अल्लाह को कि अल्लाह तू अपना रहम को कर, अपनी इनायत फरमा किस पर? जब अल्लाह ने वादा किया हुआ उसमें वही शब्द आया उसमें कि तूने प्रतिश्रुति दी है, तूने वादा किया है क्या करने का? मोहम्मद के ऊपर रहम बरसाने का। तो जब अल्लाह ने वादा किया है तो याद दिला रहा है क्या तेरा अल्लाह भुलक्कड़ है? क्या भूलने की दोष है उसमें? बीमारी है भूलने की, क्या कहीं भूल ना जाए? पांच बात याद दिला रहे उसको, वहां पर भी बात नहीं बनी, आगे बढ़िए तो उस नमाज के अंदर में भी बोला जाए اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ये दुरूद वहां पढ़ना पड़ेगा कायदे में बैठकर दो रकात नमाज के बाद। अब तहियतों पढ़ेंगे, तहियतों के बाद ये दो दुरूद वहां पढ़ना है। और वहां पर केवल मोहम्मद नहीं, मोहम्मद के पूरे वंशजों पर, इब्राहिम से लेकर के मोहम्मद तक पूरे वंशजों पर तू अपना रहम इनायत फरमा क्योंकि तूने वादा किया। तो मैं हैरान इस बात से हूं क्या इन इस्लाम वालों को इतना पता नहीं लग पा रहा जब अल्लाह ने वादा किया है तो तू क्यों दे रहा है यार, तू क्यों याद दिला रहा है? अल्लाह ने जब वादा किया है तो अल्लाह भूल गए क्या? और हर नमाज में तुम याद दिला रहे हो। तो यहाँ नमाज में अजान से लेकर के पूरी नमाज में मोहम्मद हर जगह अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अल्लाह से अलग नहीं। और फिर भी कह रहा हम एक किशोरवाद ही है। भाई एक किशोरवाद कहाँ है? इस्लाम को व्यक्ति पूजक का ही पोषक है, व्यक्ति पूजा इस्लाम। लेकिन वैदिक संस्कृति में अब वो जाकिर नायक को मैं सुना बंगला में जो बोल रहा है वो केवल वेद में वो उपनिषद में, जबकि वो वेद का सारा गलत बोला हो, उपनिषद में ही बोला। अरे एकेश्वरवाद वेद से इलावा दुनिया में है कहाँ? किसने जाना एकेश्वरवाद को? आदि सृष्टि में परमात्मा ने मानव मात्र के लिए दिया वो ज्ञान मोहम्मद जुड़े हुए हैं, तो फिर एकेश्वरवाद है कहाँ जो इस्लामी एकेश्वरवाद के दावेदार है? अब हिंदू को कह रहा है कि ये बहुवचनवाद को छोड़ दे, हम दोनों एक हो जाएंगे, तुम एक ही होना चाहते भाई? तुमको हिंदू का बोला था क्या बरसात हो जाते? तुमने ही हिंदुओं को मुसलमान बनाने का काम किया। तुमको कलमा नहीं है, तुम कलमा मुसलमानों को हिंदुओं को कलमा पढ़ा करके तुम कह रहे हो क्या मुसलमान बना रहे? अब कलमा तुम पढ़ा करके मुसलमान बना रहे हिंदुओं को, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ जाकि नाई से और समग्र इस्लाम से कि कलमा पढ़ने से अगर मुसलमान होता है तो मोहम्मद का वारिस अब्दुल्ला कलमा पढ़े थे जी, पहले वो प्रमाण दे। क्या अब्दुल्ला नाम था? जब उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो वो मुसलमान कहां से बन गए? अगर ये मान लिया जाए कि वो मुसलमान नहीं थे तो मोहम्मद ने कलमा पढ़ी हो कहीं वो बता? तो मोहम्मद साहब ने जब खुद कलमा नहीं पढ़ा तो फिर औरों को क्या पढ़ा करके आप मुसलमान बना रहे हो? जब कलमा पढ़ना ही इस्लाम में प्रवेश होने का दरवाजा है
कलमा पढ़ने पर ही कोई मुसलमान बन सकता है, या ईमान मुफस्सिल ईमान मुदम्मिल को जानने वाला कोई मुसलमान बन सकता है, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब ने इस कलमा को पढ़ाया नहीं, अगर वो खुद नहीं पढ़े तो वो मुसलमान कहां से हो गए? अगर कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है तो जब वो बिना कलमा पढ़े मुसलमान हो सकते हैं तो यहां क्यों कलमा पढ़ाने की बारी आ रही? अब ईमान मुफद्दल ईमान मुदम्मिल में देखिए आमंतु बिललाह व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिर व अल-क़द्र खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला व अल-बअ्थ बादल मौत। अब इसको जो जुबान से इकरार करे और दिल से माने वही मुसलमान बन सकता है। वहां पर शब्द क्या बोला गया, बात क्या आई? आमंतु बिल्लाह, ईमान लाता मैं अल्लाह पर, ईमान शब्द का मतलब विश्वास, विश्वास करता हूं मैं अल्लाह को। तो क्या गैर मुस्लिम अल्लाह को विश्वास नहीं करते, परमात्मा पर विश्वास नहीं करते? भले ही आप जितना विश्वास क्यों ना करें, इस्लाम के दृष्टि में आप ईमानदार नहीं है। कितना सहज तरीके से इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को गाली दे रखा, बेईमान गाली है हमारे यहाँ पर। आप किसी को बेईमान बोलेंगे ना तो बोलेंगे भैया क्यों गाली दे रहे हो? अब वहां इस्लाम के अलग जितने भी हम सब बेईमान है। अब ईमान का दायरा ये, वहां ईमान ये बताया गया, क्या बताया गया? आमंतु बिल्लाह वह मलाइकती मलाइक मन फरिश्ता, फरिश्तों को मैं मानता हूँ, वह कुतुबी और उनकी किताबों को मैं मानता हूँ, वह रुसुली और उनके रसूलों को मैं मानता हूँ, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन को मैं मानता हूँ, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला वल बअ्थ बादल मौत, कि अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया। यहाँ तो मैं हैरान इस बात से हूँ कि इस्लाम वालों के पास दिमाग है या नहीं। मैं तो बोला कि दिमाग बुद्धि मतलब तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि बाहर है। अल्लाह अगर भले बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह सजा क्यों देगा? सब तो वरिष्ठ में चला जाता है। अच्छा, फिर कयामत के दिन को जो माने, तो ये दायरा है ईमान का। इन बातों को जो बिना चिना बिना चू चिरा किए हुए मान लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, वो ईमानदार कहलाते हैं। अब हम जितना भी सदाचारी क्यों ना हो, हम ईमानदार नहीं बोला जाएगा। हम जितना भी सदाचारी क्यों ना हो, हम ईमानदार नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला जाएगा? आप भले ईश्वर को माने लेकिन वहां मोहम्मद को मानना पड़ेगा, 1 लाख या 2 लाख 24 हजार पैगंबर को मानना पड़ेगा। क्यों पैगंबर मानने जाए? अल्लाह के साथ साथ हमें पैगंबर, यानी हम अल्लाह को तो मानते नहीं, जब परमात्मा को मानते हैं। अगर पैगंबर को अगर क्षण भर के लिए हम अल्लाह मान लेंगे, जबकि नहीं है दोनों, मतलब अपनी किताब में भी लिखा हूँ अल्लाह और ईश्वर का आसमान जमीन तो फर्क है, तो मैं मान लेता हूँ क्षण भर के लिए कि हमने ईश्वर को माना, अल्लाह को माना। तो अल्लाह को मानने के साथ साथ पैगंबरों का मानना जरूरी क्यों है? लेकिन वेद में कहीं नहीं आया, कहीं ऋषि ने नहीं बताया कि परमात्मा के साथ हमें मानो, चाहे वो अग्नि वायु आदि का गिरा हो, कपिल कला पत्र जितने भी हो, हमारे ऋषि मुनियों ने किसी ने भी कभी भी ये नहीं बोला कि परमात्मा के मानने के साथ साथ हमें भी मानो। तो जाकि नहीं हमें क्या पढ़ाना चाहता है? हमारे पास पढ़े, हमारे सारे शिष्य हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, 30 साल से आज तक कोई माई कलाम मेरा मुकाबला नहीं कर पाया। अरे हमें क्या पढ़ा रहे हो? खुद पढ़ो, बैठ करके जानो, समझो इस बात को, परखो इन बात को, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। तुम्हें अकल है क्या? तुम पढ़े लिखे हो जो ये बात कह रहे हो? मैं ये नहीं भेजा क्या? अल्लाह के मानने के साथ साथ पैगंबरों का मानना जरूरी क्यों है? यहाँ परमात्मा के साथ मानने के साथ किसी के साथ कोई साझी नहीं है, केवल इतना नहीं हो देखे वो मना है कि वह कुतुब ही और उनकी किताबों को मानना। और किताब कौन सी है? अब ये लोग हिंदुओं के साथ धोखा कर रहे हैं, वो मेरे दोनों डिबेट में आपने देखा होगा जो यूट्यूब पे लगा है, चाहे वो अब्दुल्ला तारी के साथ हो या तारिक मुर्तजा के साथ, हिंदुओं को धोखा दे रहे हैं। हिंदुओं को कह रहे हैं कि हम तो वेद को भी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, जबकि कुरान में कहीं भी वेद की चर्चा ही नहीं है। वेद को ईश्वरीय ग्रंथ मानने के लिए अल्लाह ने कहीं भी नहीं बोला। ये हिंदुओं के साथ धोखा कर किया जा रहा है। और हिंदू तो ये इतना उल्लू है, मैं क्या क्या बोलूं, बाबा रामदेव बाबा नाराज हो जाएंगे, ये पंडित जी चुपते नहीं है, तो ये हिंदू मानने के लिए तैयारी नहीं है। ये कहते हैं देखो वेद के लिए बोलता है। मैंने निवेदन किया, जब यहाँ पर ये बोला नहीं गया, कुरान के साथ अल्लाह ने वेद की चर्चा नहीं की, वहां केवल 4 किताब के लिए बताया। अब यहाँ मैं बोल खोलता हूँ, जाके नाई कर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि यहाँ कुरान के साथ साथ अल्लाह ने और 3 किताब की चर्चा की। कौन कौन सी? तौरात,
जबूर और इंजील। चौथी किताब है कुरान। अब देखिए ये कह रहे हैं कि कुरान अंतिम किताब है, कुरान अंतिम किताब है। किसकी अंतिम किताब है? खुदा की भेजी हुई अंतिम किताब है। तो तीन किताब किनकी भेजी हुई थी? अल्लाह की। तीन किताब किसकी भेजी हुई थी? अल्लाह की। तो तीन किताब जब अल्लाह की भेजी हुई थी तो चौथी किताब अल्लाह को क्यों भेजना पड़ा?